हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एट ईज। तो आज हम बात करेंगे रेनन कुलस के बीज को आप कैसे लगा सकते हैं। तो ये रेनन कुलस के बीज हैं, इनको हमने 12 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। ये इस तरह से इसके बीज होते हैं, बल्ब होते हैं। ये देखिए, इसमें ये इसके नीचे निकले हुए हैं, ये बल्ब इसके रूट्स हैं। तो ये हमने पिछले सीजन के प्लांट में से बल्ब हमने सेव करके रख लिए थे। तो इन बल्ब्स को 12 घंटे के लिए आपने जो है रात भर पानी में सिको के रख देना है, रात पानी में भिगो देना है। रात भर पानी में भिगोने के बाद ये फूल जाएंगे। फूलने के बाद जो है आप इनको गमले में या मिट्टी में ग्रो करेंगे। तो हम कैसे इसको ग्रो करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये गमला ले लिया, गमले में हमारे पास गार्डन सॉयल और कुछ वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिक्स है। इसको हम गमले में भर लेंगे। गमले में भरने के बाद इसमें छोटा सा गड्ढा बनाएंगे और इन बल्ब को एक बल्ब हम दोनों बल्ब को एक ही गमले में ग्रो करेंगे। उसके बाद हम जब ये ग्रो हो जाएंगे उसके बाद हम इनको अलग अलग कर देंगे। छोटे से गड्ढे में आप इनको ऐसे रखेंगे। ये जो रूट्स वाला पोर्शन है वो नीचे की साइड रखना है और बाद दूसरा ऊपर की साइड रखना है। तो ऐसे आप इसको गड्ढे में रखेंगे और इसको मिट्टी से ढक देंगे। इसी तरह से दूसरा गड्ढा करेंगे, दूसरे गड्ढे में दूसरा लेंगे और रूट वाला पोर्शन जो है नीचे की साइड रखेंगे और इसको मिट्टी से ढक देंगे। इसको ज़्यादा मिट्टी से नहीं ढकेंगे, हल्का सा ही ढकेंगे और प्रेस नहीं करेंगे। हल्का हल्का साइड से प्रेस करेंगे लेकिन बल्ब के ऊपर से प्रेस नहीं करेंगे, हल्का हल्का वैसे ही कर देंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे। आप इसमें सिंपल वाटर भी डाल सकते हैं और फंजीसाइड मिक्स करके वाटर डाल सकते हैं। मैं फंजीसाइड वाटर वाला जो पानी जो है बाद में डालूंगी, अभी मैं लेकर नहीं बैठी हूँ। ये थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसकी वाटरिंग कर देंगे ताकि पानी जो है नीचे तक रूट्स तक पहुँच जाए। वाटरिंग करने के बाद इस पॉट को जो है हम छांव वाली जगह में रखेंगे कुछ दिन के लिए। जब इसमें हल्के हल्के स्प्राउट्स आने शुरू हो जाएंगे तब हम इसको जो है धूप में लेके आएंगे। तो ये है रेनन कुलस के बल्ब जो है हम इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।